हे व्हाट्सएप एंड ओनली माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैं आपको दो ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, ओके। सिर्फ ओनली फॉर दो ऐप के अंदर मैं कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, ओके। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ओनली फॉर देख से वॉच कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, तो उसके बाद समझ में आएगा मैंने फोटो एडिट किस प्रकार कर पाया, ओके। देख सकते हैं मैं किस इस प्रकार का फोटो है, ओल्ड फोटो कुछ इस प्रकार का है मेरा, और मैं कुछ इस प्रकार का बस दो ऐप में बनाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार का फोटो, ओके। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं मेरा ओल्ड फोटो और देख सकते हैं मेरा एडिट हुआ हुआ फोटो, देख सकते कितना हाई क्वालिटी HD फोटो, ओके। तो फिर मैं यहाँ से अपने फोटो कर लेता हूँ स्नैपसीड ऐप के अंदर, ओके। तो पहले चलता हूँ मैं स्नैपसीड ऐप के अंदर, फाइनली आ चुके हैं। और यहाँ से टूल्स पे क्लिक करके, ट्यून इमेज पे क्लिक करके थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, कंट्रास्ट को माइनस कर देना है +36 की ओर, और ब्राइटनेस को 42 कर देना होगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है +38 की ओर, एम्बुलेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर से सैचुरेशन को +34 रखना है, फिर से हाइलाइट्स को थोड़ा सा माइनस ही रखना है +34, ओके। फिर यहाँ से फोटो कर लेते हैं, डन। तो मेरा वन ऐप के अंदर एडिटिंग हो गया, बिफोर एंड आफ्टर इतना ही मुझे करना था, बाकी बात हम सब लाइट रूम में आपको सिखाने वाले, ओके। और आप लोग देख सकते हैं बिना लाइट रूम ऐप के अंदर तो कोई भी फोटो एडिट हो ही नहीं सकता, ओके, चाहे कोई भी एडिटर हो। तो मैं यहाँ से पहले चलता हूँ लाइट रूम ऐप के अंदर और फुल वीडियो वॉच कीजिए, ओके। तो मैं यहाँ से ओके फाइनली तो मैं आ चुका हूँ लाइट रूम ऐप के अंदर, ओके। और मैं आपको कुछ लाइट रूम का मास्टर बना लूँ, ओके, कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं, बैकग्राउंड ग्रे एंड कलर चेंज कैसे करते हैं, ओके, और कलर में कैसे लाते हैं, अपने शर्ट का कलर कैसे थोड़ा लाइट लाते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से अपने लाइट पर क्लिक करके थोड़ा सा एक्सपोजर पर बढ़ा के थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा देना है +36 की ओर, फिर से चलेंगे कॉन्ट्रास्ट वाले पर थोड़ा सा माइनस प्लस ही कर देना +10 की ओर, ओके। फिर से चलेंगे हाइलाइट्स वाले पे इसको प्लस ही रखना है +70 की ओर रखना है, ओके। फिर से चलेंगे वाइट वाले पे, तो वाइट वाले पे भी थोड़ा सा माइनस रखना है, बाद में हम सेटिंग मिलाएंगे अपना। फिर चलेंगे शेडो वाले पे, थोड़ा सा 30 की ओर कर देना है, ओके, माइनस में 33 रखना है वाइट्स का। फिर से चलेंगे ब्लैक वाले पे थोड़ा सा इसको माइनस ही रखना है, ओके। फिर से चलेंगे अपने कलर वाले पे जाके मिक्स टूल पे जाके पहले चलना है ग्रीन वाले पे, फोर्थ नंबर पे जाके यहाँ से कुछ इस प्रकार का मैं अपने फ़ोटो को रखूँगा, ओके। देख सकते हैं मेरा सब वेल लॉटन एंड ग्रे कलर एंड सब कलर हो रहा है मेरा, तो मेरा आपको ग्रे कलर एंड ब्लू कलर अच्छा लगता है, ग्रीन ही कलर, ओके। तो यहाँ से सैचुरेशन को प्लस कर देना है, ह्यू को भी +100 कर देना है, और फिर चलेंगे वैल्यू वाले पे जाके थोड़ा सा इसको भी प्लस रख देना है, और इसको भी थोड़ा सा इसको भी लेमलेंस को थोड़ा सा प्लस रखना है, ह्यू को प्लस ही रख लेंगे, ओके। तो मेरा कुछ इस प्रकार का फोटो हो गया, और फिर चलेंगे अपने ऑरेंज वाले को जाके लेमलेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना है थोड़ा सा, फिर चलेंगे रेड वाले पे जाके थोड़ा सा इतना कर देना है, ऑरेंज वाले पे जाके लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, ओके। तो मुझे ऑरेंज वाले पे कुछ नहीं करना था, ऐसे ही रहना देना चाहिए था, ओके। देख सकते हैं मेरा तो कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग हो गया है। फिर से चलेंगे ग्रीन वाले पे जाके इसको पूरा प्लस कर देंगे, और लो वाले पे जाके इसको +100 सैचुरेशन को 100 प्लस कर देने वाले लोग, ओके। फिर चलेंगे दोनों सेकेंड नंबर वाले पे, तो इसका मुझे इतना ही रखना है, ओके। फिर यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस में रखना है 11 की ओर, फिर वाइब्रेशन को थोड़ा सा रखना है 12 की ओर, ओके। फिर से चलेंगे इफेक्ट वाले पे जाके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और क्लियरिटी को तो माइनस में रखना है मुझे 33 रखना है, ताकि मेरे फोटो का हाई क्वालिटी HD बढ़ जाए, ओके। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ओके। फिर से चलेंगे बिगिनर्स वाले पे जाके थोड़ा सा माइनस रखना है इसको,
प्लस 25 के, और मिक्स पॉइंट्स को भी तो राउंडनेस को थोड़ा सा प्लस रखने हैं, प्लस 64 के, और फिर से इसको सिचुएशन को कुछ इस प्रकार रखना है। ओके तो देख सकते हैं, फिर से चलेंगे हाईलाइट्स वाले पे, कुछ नहीं करना है इसको, फिर से चलेंगे लाइट वाले पे जाके और एक्सपोजर को लाइट वाले पे जाके थोड़ा सा बढ़ा देना है हमको, तो कुछ प्लस 42 रख देना है। ओके और हाईलाइट्स को तो फिर इतना रखेंगे। ओके फिर कर लेते हैं यहाँ से हम अपने फोटो को कर लेते हैं डन बिफोर एंड आफ्टर। तो मैं आपको सिखा कर दिखा चुका हूँ कि ओनली फॉर लाइट रूम एंड स्नैपचैट ऐप के अंदर मिलके बस ऐसा फोटो एडिटिंग हम लोग कर पाएंगे। ओके सिंपल से एडिट है। ओके तो यहाँ से मैंने वीडियो करते हैं एंड एंड थैंक यू।